अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुइज़ अयाज, केमिस्ट्री टीचर। आज के लेक्चर सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। और इससे प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को कंप्लीट कर लिया था। और आज का टॉपिक है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। सो मॉलिक्यूलर मास से स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास है क्या? मोलिकुलर मास इज़ द नंबर इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स इन अ मोलिक्यूल। मतलब ये है कि हमारे पास मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम, वो कहलाता है हमारे पास मोलिकुलर मास। मोलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, चाहे वो कोई सा भी एटम्स हो, हाइड्रोजन के एटम हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, जितने भी एटम्स हो, उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल हम देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको गिवेन है वाटर की। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए। तो वो वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। तो ये फाइंड आउट करने का इजी तरीका है। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने गिवन है। हाइड्रोजन के साथ नंबर ऑफ एटम कितने हैं? टू। टू का मतलब है यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम है, और सिंगल ओ का मतलब है एक ऑक्सीजन के एटम है। सो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू टू। टू क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ एटम्स। टू मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। टू मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। रिकॉर्ड तो कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुइज़ अयास, केमिस्ट्री टीचर। आज के सेशन में हम मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इन द प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को। सो मॉलिक्यूलर मास को हम कंटिन्यू करते हैं। मॉलिक्यूलर मास है क्या? सिंपल, मॉलिक्यूलर मास इज़ अ नंबर इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम बराबर है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के। सही है। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, उन एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम, या मतलब उनके एटॉमिक मासेस को हम सम कर दें, वो इक्वल है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक मोलिक्यूल की, और वो मोलिक्यूल है वाटर। वाटर मोलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O। मोलिकुलर मास के लिए ज़रूरी है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो वाटर का फार्मूला है H2O। यहाँ पे H2 हाइड्रोजन के साथ टू, हाइड्रोजन के साथ टू का मतलब है यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम है, और ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन के एटम है। सो हम क्या लिखेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये टू एटम है और एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सही है। फिर उसके बाद प्लस, प्लस साइन क्यों लगाते हैं? जब हम एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं, तो बीच में साइन लगाते हैं प्लस का। सो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, अब हम आएंगे ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे जाने के लिए बीच में साइन लगाएंगे, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो वन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एटम, जो कि वन की ऑक्सीजन का वन एटम है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखें, टू मल्टीप्लाई एटॉमिक मास, टू मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है? 1.008 के। प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16। सो 16 मल्टीप्लाई बाय वन, आंसर क्या आएगा? 16 ही। टू मल्टीप्लाई बाय 1.008 हमारे पास बराबर है 2.016 प्लस 16 के। और जब हम दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारे पास बराबर होगा 18.016 एटॉमिक मास यूनिट के।
ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। और यहाँ पर हम हाइड्रोजन का ज़रूरी नहीं कि एटॉमिक मास 1.008 लें, हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद। सही है, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं डिटरमाइनिंग द मोलिकुलर मास। डिफरेंट एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें इसका तरीका, इसका मेथड याद हो जाए मोलिकुलर मास फाइंड करने का। एग्जाम्पल पे आते हैं, डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज फाइंड करना है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर। और ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं, मतलब खून में बनने वाली शुगर। सही है। और मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने करने के लिए सबसे पहले आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सॉल्यूशन लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 6। सो 6 मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ कार्बन, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 12। फिर जब हाइड्रोजन एलिमेंट पे आएंगे तो बीच में साइन लगाएंगे प्लस का। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 12। 12 मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि बराबर है 1.008 के। फिर हाइड्रोजन के बाद जब हम ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन एलिमेंट पे, सो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एटम कितने गिवन है ऑक्सीजन के? 6। 6 मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास 16। 6 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास बराबर होता है 72 के। 12 मल्टीप्लाई बाय 1.008, जो कि हमारे पास इक्वल है, बराबर है 12.096 के। प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16, जो कि हमारे पास इक्वल है 96 के। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर ये आएगा, इन तीनों वैल्यू से हम सम करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमारे पास आंसर आएगा 180.096 एटॉमिक मास यूनिट। ये आप इजीली कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास आंसर क्या आएगा? 180.096 एटॉमिक मास यूनिट। अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, डिटरमाइन दी मोलिकुलर मास ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का मोलिकुलर मास फाइंड करना है, और नेफ्थलीन का फॉर्मूला क्या है? C10H8, विच इज़ यूज इन मॉथ बॉल्स। और हम नेफ्थलीन को मॉथ बॉल्स में इस्तेमाल करते हैं। मॉथ बॉल्स का मतलब स्मॉल बॉल में बनाते हैं, पैलेट्स में, जैसे छोटी बॉलों में। और इसका यूज़ क्या है? यूज़ ये होता है कि हम नेफ्थलीन हम कि अगर हम किसी भी चीज़ को स्टोर करें, तो उस स्टोरेज में अगर हम नेफ्थलीन मॉथ बॉल्स डाल दें, तो वो बदबू उस स्टोर मटेरियल पे बदबू होने से बचाती है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में हम बिस्तर वगैरह निकालते हैं, फिर गर्मियों में वापस रख देते हैं स्टोर में। तो हम स्टोर में बिस्तर को रखने के बाद अगर हम नेफ्थलीन की बॉल्स भी बिस्तरों के साथ रख दें, दबा दें उसमें, तो उन बिस्तरों में से बदबू नहीं आएगी। ये नेफ्थलीन का यूज़ है, ये मॉथ बॉल्स का यूज़ है। और मॉथ बॉल्स किससे मिलकर बनती है? नेफ्थलीन से। सॉल्यूशन पे आते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ नेफ्थलीन C10H8। सिंपल सा मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे। हमारे पास कार्बन के कितने एटम गिवन है? 10। सो 10 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जो के बराबर है हमारे पास 12 के। प्लस हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पर? 8। सो 8 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, विच इज इक्वल टू 1.008। 10 मल्टीप्लाई बाय 12 बराबर होगा 120 के। 120 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1.00, जो कि इक्वल है हमारे पास 8.064। जब हम दोनों को प्लस कर देंगे, 8.064 प्लस 120, विच इज इक्वल टू 128.064 एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ नेफ्थलीन। अब नेक्स्ट पे आते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास भी हमारे पास मोलिकुलर मास की तरह ही, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है वो भी बताते हैं। फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्म इन द फॉर्मूला यूनिट। मतलब हमारे पास फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम्स हैं, उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम बराबर है फॉर्मूला मास के। और फॉर्मूला यूनिट क्या है?
फॉर्मूला यूनिट से मुराद हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं हम उनको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट्स। जबकि मोलिकुलर मास में हमारे पास मोलिक्यूल्स होते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स नहीं होते। मतलब आयनिक कंपाउंड्स जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं तमाम के तमाम फॉर्मूला यूनिट्स कहलाते हैं। जबकि नॉन आयनिक कंपाउंड जो आयनिक नहीं आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हम उनको क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल्स। अब आयनिक कंपाउंड क्या है, नॉन आयनिक कंपाउंड क्या है, जब आगे आगे के लेक्चर हम बनाएंगे, जब टॉपिक आएगा हमारे पास आयनिक कंपाउंड का, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सही है कि आयनिक कंपाउंड है क्या। एग्जाम्पल पे आते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला मास निकालना है। वही तरीका है हमारे पास मोलिकुलर मास वाला। यहाँ पे कैल्शियम के कितने एटम गिवन है हमारे पास? वन वन एटम गिवन है। सो वन मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ कैल्शियम, और एटोमिक मास ऑफ कैल्शियम है 14। फिर जब कार्बन एलिमेंट पे आएंगे तो बीच में साइन लगा देंगे प्लस का। कार्बन के कितने एटम गिवन है? वन। सो वन मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ कार्बन विच इज इक्वल टू 12, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 16। सो वन मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस वन मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस वन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। 40 प्लस 12 प्लस 48 विच इज इक्वल टू 100 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बराबर है हमारे पास 100 एटॉमिक मास यूनिट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास है 100 एटॉमिक मास यूनिट के। अब एग्जांपल लेंगे डिटरमाइनिंग दी फॉर्मूला मास को डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन दी फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास डिटरमाइन करना है, विच इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट एंड यूज टू फ्लेवर फूड, प्रिजर्व मीट एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज कंपाउंड। टेबल सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट से मुराद कॉमन सॉल्ट, जो आपके घरों में नमक जो पाया जाता है उसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट। सही है, सोडियम क्लोराइड होता है वो टेबल सॉल्ट। और हम उस सोडियम क्लोराइड को किसमें इस्तेमाल करते हैं? फ्लेवर मीट, फ्लेवर फूड। नमक को हम फूड खानों में डालते हैं जायके के लिए, फ्लेवर देने के लिए, और उसके साथ साथ किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज बनाने के लिए। प्रिजर्व से मुराद उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम नमक लगाते हैं, जैसे गोश्त में हम नमक लगाते हैं। और सोडियम क्लोराइड से हम दूसरे लार्ज कंपाउंड बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड से हम बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और भी डिफरेंट कंपाउंड हम बनाते हैं सोडियम क्लोराइड से। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वो है NaCl, फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पर NaCl है। सोडियम का भी वन वन नंबर ऑफ एटम वन है, और क्लोरीन के भी नंबर ऑफ एटम वन है। सो वन मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ सोडियम विच इज इक्वल टू 23, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ क्लोरीन विच इज इक्वल टू 35.5। सो 23 प्लस 35.5 विच इज इक्वल टू 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। डिटरमाइनिंग द फॉर्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH2 को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज यूज टू ट्रीट एसिडिटी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसको क्यों बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नंबर वन व्हाइट कलर का होता है, मिल्की मिल्की जैसा होता है व्हाइट कलर का, और इसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इससे हम क्या है, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है टू ट्रीट एसिडिटी, मतलब तेजाबियत को सही करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिडिटी का मतलब है तेजाबियत, मैदे में जलन होना, स्टमक में तेजाबियत को ना जलन होना। सही है, उसको बोलते हैं हम एसिडिटी। अब हमें फाइंड करना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मास। मैग्नीशियम हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है। फॉर्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये टू ब्रैक हमारे पास OH ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर उसका टू लिखा है, मतलब ये जो टू है नंबर ऑफ एटम्स, ये हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। सो यहाँ पर मैग्नीशियम का जो नंबर ऑफ एटम है वो है वन। सो वन मल्टीप्लाई बाय एटोमिक मास ऑफ
मैग्नीशियम विच इज इक्वल टू 24, सो 1 × 24 = 1 प्लस इस टू को हम पहले लिख देंगे फिर बाद में ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास। क्यों टू को पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि टू हमारे पास ऑक्सीजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी है। सो टू इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई मल्टी टू हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 16। जब हम हाइड्रोजन एलिमेंट पाएंगे तो बीच में साइन लगाएंगे प्लस का, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 भी ले सकते हैं और 1.008 भी। बेहतर यही होगा कि राउंड ऑफ करके हम 1 ले लें। सो 1 16 + 1 which is equals to 17, 17 × 2 जो कि हमारे पास बराबर है 34 के। सो 34 + 24 which is equal to 58 एटॉमिक मास यूनिट के। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मास हमारे पास बराबर है 58 एटॉमिक मास यूनिट के। सो आज का सेशन यहाँ तक ख़त्म होता है। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी, सो फॉर्मूला मास और मॉलिकुलर मास के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।